साल 2 जनवरी 2021 वही दिन था जब हमारे नॉनस्टॉप भाई को हमेशा की तरह एक न्यू लेजेंड प्लेयर मिलता है। बट पूरे एनजी फैमिली और यहाँ तक कि नॉनस्टॉप भाई को भी ये नहीं पता था कि ये प्लेयर आगे जाकर पूरे एनजी ई स्पोर्ट का हिस्ट्री बदलने वाला है। अरे भाई साहब, कंटिन्यू हर एक गेम में दमदार परफॉर्मेंस और हर एक गेम में एमवीपी लेकर ये सिर्फ नॉनस्टॉप भाई का ही नहीं बल्कि पूरे फ्री फायर कम्युनिटी का दिल जीत लेता है। जो सिचुएशन 90% प्लेयर्स के लिए इम्पॉसिबल नजर आता है वो सिचुएशन ये बंदा इजीली क्लच कर लेता है एंड दैट्स व्हाई इसको अभी के टाइम पे क्लचेस गॉड के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा था क्लच इज गॉड द एमवीपी किंग द बैड बनी स्मूथ थ्रिल फोर के बारे में। इस प्लेयर का गेम प्ले कितना डेंजरस इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर 4v4 मैच में 1v1 का सिचुएशन बन चुका है स्मूथ वर्सेस इंडियन मोस्ट एक्यूरेट प्लेयर क्लासी फ्री फायर के साथ। ये क्या 1v1 स्मूथ वर्सेस क्लासी गाइस, जो आप लोग देखना चाहते हो 1v1 यहाँ पे होने वाला है स्मूथ वर्सेस क्लासिक और मैच वही टीम जीतने वाली है जो भी यहाँ पे जीतेगा गाइस। एनएक्सटी क्लासिक वर्सेस यहाँ पे स्मूथ, कौन जीतने वाला है भाई पता नहीं, मेरे को क्लोज आ गया ना बंदे एलिमिनेट ही हो जाएंगे बट स्मूथ रे हो भाई साहब। जी बिल्कुल, ये प्लेयर क्लासिक फ्री फायर को भी टक्कर देने से पीछे नहीं रहता एंड यही प्लेयर गाइस नॉनस्टॉप भाई को एक पर्टिकुलर रीजन देता है जिस वजह से नॉनस्टॉप भाई अभी के टाइम पे लिमिटेड टीम वियतनाम वुमेन टीम अपीला पाटन यहां तक कि रेड नंबर किंग रुओ कैप को भी ऑन द लाइव स्ट्रीम 4v4 मैच में बुलाने का औकात रखता है। बेस्ट क्लचर, वन ऑफ द बेस्ट आईक्यू प्लेयर, हेडशॉट ले लो, हैकर ले लो, एम्पॉट ले लो, आईक्यू ले लो, स्क्वाड क्लच देख लो, हर एक स्क्वाड के जितने भी मैच होते हैं हर एक में अपना कह सकते हो आपकी क्लच देते हुए नजर आते हैं जिनका नाम होने वाला है वन एंड ऑल। Yes guys, आज हम लोग किसी डेडली प्लेयर का गेम प्ले एनालाइज करने वाले हैं कि आखिर ये प्लेयर इतना खतरनाक कैसे खेलता है और इसके गेम प्ले के पीछे का एक्चुअल रियलिटी क्या है। चलो भाई, सो ओके, आ जाते हैं अब अपने औकात में। वो जो मैंने स्टार्टिंग में एक बोला था ना डेट, लाइक 2 जनवरी 2021, सो वो एक्चुअल मुझे नहीं पता था स्मूथ नॉनस्टॉप भाई से कब मिला था, वही पहला वीडियो था तो बोल दिया मैंने। हमेशा की तरह तुम लोग मेरे शब्दों पर मत जाओ, बस तुम लोग मेरे भावनाओं को समझो। सो गाइस, अगर हम लोग स्मूथ का गेम प्ले सही से देखेंगे या फिर एनालाइज करेंगे तो हम लोग इजीली देख सकते हैं कि स्मूथ भी सेल्फ रशर नहीं है, मतलब स्मूथ का स्टाइल भी लाइक क्लासी भाई जैसा ही है। जैसे क्लासी भाई कभी भी खुद से रश नहीं करता वैसे स्मूथ सेम कभी भी खुद से रश नहीं करेगा। तुम लोग देखना हमेशा स्मूथ अपोनेंट एनिमी को रश करने के लिए मजबूर करता है, मतलब एक ग्लूवल लगाता या फिर कोई कवर में खड़े रहता है और जैसे अपोनेंट एनिमी रश करता है वह इजीली नॉक हो जाता है। सो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, कभी भी खुद से रश नहीं करता स्मूथ, हमेशा अपोनेंट एनिमी को रश करने देता है। और जैसा कि तुम लोग एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर स्मूथ एक बंदे को इजीली नॉक करता है, फिर वही स्ट्रेटजी मतलब एक कवर में खड़े रहता है, फिर दूसरा एनिमी जैसे आता देखो उसको भी इजीली नॉक निकाल लेता है। और ऐसे करके गाइस स्मूथ बहुत इजीली स्क्वाड को वाइप कर देता है या फिर 1v6 रहेगा उसको भी वाइप कर देता है और इवन अच्छे अच्छे स्क्वाड के अच्छे अच्छे स्तरों में भी गाइस ये टिप्स फॉलो करता है स्मूथ। सो गाइस, ये स्मूथ की गेम प्ले का बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल भी है क्योंकि जो सामने वाला ओपोनेंट एनिमी रश करता है ज़्यादातर टाइम वो खुले में रहता है एज कम्पेयर तुमसे, तो तुम लोग इस चीज़ का एडवांटेज भरपूर मात्रा में उठा सकते। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अब गाइस यहाँ पर स्मूथ का गेम प्ले अगर ठीक से हम लोग और अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं, स्मूथ यहाँ पर अपना एक ऑन कवर एरिया या फिर कह लो ऑन फाइट एरिया बनाता है, मतलब स्मूथ देखना एक ही रास्ता छोड़ता है ओपोनेंट एनिमी के आने का, मतलब वो गाइस लिमिटेड हो अनलिमिटेड कस्टम हो वो अपने गुली बॉल से या फिर किसी भी कवर का एग्जांपल ले लो वो एक ही रास्ता छोड़ेगा ओपोनेंट एनिमी के आने का, मतलब स्मूथ अपने आप को ऐसे पोजीशन में रखता है ताकि उसको चारों तरफ से कोई ना पेले।
सो गाइस ये स्मूथ का बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है, लिटरली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर तुम लोग एग्जांपल देख सकते हो स्मूथ अपने आपको कैसे कवर अप कर रहा है, मतलब एक ही साइड में स्मूथ कैसे अपने आपको खुला रखता है और अपने आपको कैसे कवर करता है देखो। और जैसे अपोनेंट एनिमी नजर आता है स्मूथ को इजिली नॉक कर देता है। और इस टेक्निक से गाइस स्मूथ काफी गंदे सिचुएशन को हैंडल कर लेता है लिटरली गाइस। जब जोन काफी छोटा हो जाता है ऐसे कंडीशन में भी गाइस स्मूथ अपने आपको इजिली निकाल लेता है और यस ऑफ कोर्स राउंड भी निकाल लेता है। सही बात। नेक्स्ट गाइस सिंपलिसिटी, अगर हम लोग स्मूथ का गेम प्ले सही से एनालाइज करेंगे तो हम लोग एक चीज जरूर नोटिस करते हैं कि स्मूथ का गेम प्ले यहाँ पर काफी सिंपल रहता है। मतलब वो अपना 100% देता है बस ऑपोनेंट एनिमी को नॉक करने में। मतलब स्मूथ देख लेना फालतू चीजों में कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, लाइक ग्लूबल काफी अच्छे तरीके से लगाना, वंडर वंडर या फिर कह लो काफी इधर उधर का मूवमेंट दिखाना, ऐसा स्मूथ कभी भी नहीं करता। स्मूथ हमेशा एक चीज में फोकस करता है जो कि ऑपोनेंट एनिमी को नॉक करने में। मतलब उसका सारा फोकस रहता है बस ऑपोनेंट एनिमी को नॉक कैसे किया जाए। और यही एक पर्टिकुलर रीजन है कि स्मूथ हर एक गेम में एमवीपी रहता है। लाइक सारे बंदे सोचते रहते हैं कि आखिर स्मूथ हर एक गेम में एमवीपी कैसे रहता है। आई होप गाइस इसका आंसर तुम लोगों को मिल गया है। नहीं। नेक्स्ट गाइस जॉयस्टिक गेम प्ले। जॉयस्टिक मींस जो नूब होता है ना, मतलब ऐसे जॉयस्टिक पकड़ के घूमता है जैसे ओपोनेंट एनिमी का नॉक कर देता है नूब। तो गाइस ये नूब वर्क बिल्कुल भी नूब स्ट्रेटजी नहीं है, ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है जिसको क्लासी एफएफ भी यूज करता है। ठीक है। तो गाइस स्मूथ भी देखना काफी ज्यादा जॉयस्टिक का यूज करता है। यहाँ पर तुम लोग एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर स्मूथ निकला सामने वाले एनिमी को नॉक कर दिया और देखो यहाँ पर ऐसे करके वो सेकंड एनिमी को भी नॉक कर देता है और ऐसा करके गाइस 1v4 नहीं बल्कि 1v6 भी मार देता है स्मूथ। मतलब जॉयस्टिक का काफी ज्यादा स्मूथ यूज करता है। बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि तुमको चारों तरफ से पेल रहा तुम जॉयस्टिक पकड़ के घूम रहे हो, ऐसा करोगे तो समझ रहे हो ना। तो यस तुम लोगों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग जॉयस्टिक भी पकड़ना है। नेक्स्ट गाइस एक्यूरेसी। देखो स्मूथ के गेम प्ले में एक्यूरेसी बहुत गंदा देखने को मिल जाता है हम लोगों को। मतलब स्मूथ देखना काफी रेड रेड मारता है यूएमपी से, ठीक है, और डेजर्ट ईगल से भी। तो देखो अगर तुम लोग स्मूथ के सारे गेम प्ले स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो, लाइक कवर में रहकर खेलना या फिर जॉयस्टिक यूज करके मारो, बट अगर तुम्हारे गेम में एक्यूरेसी ही नहीं है तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, लाइक मारे ही जाओगे नहीं मार पाओगे। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो अब नेक्स्ट चीज में हम लोग फोकस करने वाले हैं एक्यूरेसी। क्या लगता है मैं इस वीडियो में टिप्स दूंगा? टेंशन मतलब बताऊंगा, जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो होने वाला है स्मूथ का एक्यूरेसी इतना गंदा कैसे है, ठीक है, और तुम लोग अपने गेम प्ले में इतना गंदा एक्यूरेसी कैसे ला सकते हो। मतलब ऐसे में एक्यूरेसी का 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, तुम लोग जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और गाइस रही बात स्मूथ हैकर है या नहीं है, इसका आंसर बहुत सिंपल ही तुम लोग मिल जाएगा। मेरा एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, उसको जाओ देखो, उसमें मैंने स्मूथ का फुल पीसी चेकिंग कर रखा है। सो तुम लोग जाकर देख सकते हो, तुम लोगों को इजीली आंसर मिल जाएगा। सो है गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप तुम लोग वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्मूथ का एक्यूरेसी नेक्स्ट वीडियो में रिवील करने वाला हूं, ठीक है, सो सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।